हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन की आज जयंती है और इस जयंती पर कुछ लोगों ने उन्हें अनोखे अंदाज में याद किया। मुरादाबाद के चित्र कलाकार डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने उनकी पेंटिंग बनाकर सभी को ये संदेश दिया है कि हंसना और हंसाना ज़रूरी है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह का ये कहना है कि चार्ली चैपलिन की वीडियो देख कर आदमी हंसता नहीं था और फूले भी समाता था। आज उनकी कला को देख कर पूरे विश्व में उनकी सराहना भी की जाती है। सच्चे मानवतावादी विश्व प्रसिद्ध कलाकार महान चार्ली चैपलिन की 43वीं पुण्यतिथि पर आज बुद्धि विहार में उनका चित्र बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के कला संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कलाकार के एक्टिंग, विचारों और फिल्मों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने 1910 से 1977 तक यानी 60 साल तक पूरी दुनिया को प्रभावित किया। मानव इतिहास में शायद ही इतनी शोहरत किसी को मिली हो। उन्होंने द ग्रेट डिक्टेटर फिल्म बनाकर तानाशाह हिटलर की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने दिखाया कि किस तरह पूंजीवादी मुनाफाखोर व्यवस्था में एक बच्चा भी उत्पादन मशीनरी का अंग बन जाता है। उन्होंने सैनिकों को गुलामी के लिए नहीं बल्कि आजादी के लिए लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने युद्ध नहीं बल्कि शांति का संदेश दिया तथा दुनिया को सभी के लिए सुंदर बनाने का प्रयास किया। पेंटिंग में डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने सूली पर लटकी ईसा मसीह का चित्र बनाकर भी उनके प्रति सम्मान व आज के दिवस के परिप्रेक्ष्य में उनका स्मरण किया। उन्होंने कहा कि सच्चे कलाकार का कर्तव्य है कि वो शोषण, दमनकारी, जुल्मी सरकारों, शोषकों के खिलाफ आवाज उठाए। आपने क्या बनाया आज? ये आज एक पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग में चार्ली चैपलिन को बनाया है। चार्ली चैपलिन जो है वो आज चार्ली चैपलिन की 43वीं जो है श्रद्धांजलि दिवस है। चार्ली चैपलिन का पुण्यतिथि है तो इस मौके पे आज हमने जो है चार्ली चैपलिन को बनाया हुआ है, क्योंकि चार्ली चैपलिन जैसा महान व्यक्तित्व, महान अभिनेता कभी कभी पैदा होता है। और जो है चार्ली चैपलिन ने जो पूरे विश्व को, जो भाई विश्व के सिनेमा को जो दिया, सिनेमा के साथ में मानवता को दिया, क्योंकि चार्ली चैपलिन ही एक ऐसा अभिनेता है जो हिटलर के सामने खड़ा होता है और हिटलर को जो है आईना दिखाता है अपनी फिल्म जो द ग्रेट डिक्टेटर के माध्यम से। और ग्रेट डिक्टेटर जो है पूरे जो है वर्ल्ड में उसका जो है डंका बजता है और पूरे वर्ल्ड में जो है ग्रेट डिक्टेटर के माध्यम से जो है हिटलर को ये कहें कि चैलेंज करता है। और वही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अमेरिका की नागरिकता लेने से भी मना कर देता है, कहता है मुझे अमेरिका का नागरिक नहीं, मैं तो पूरे वर्ल्ड का, विश्व का नागरिक हूँ। तो ये जो है इस तरह के व्यक्तित्व जो फिल्म करते हैं और हंसते हुए लोगों को हंसाते हुए जो है ऐसी गंभीर बात कह देते हैं, गंभीर बात कहते हुए अपनी जो है सामाजिक संवेदनाओं को व्यक्त कर देते हैं और समाज के लिए, पूंजीवाद के लिए, साम्राज्यवाद के लिए कह देते हैं अपनी बात। जैसे उनकी द किड फिल्म है तो उसमें विज्ञान का उपयोग जो पूंजीवाद कर रहा है उसमें एक बच्चा कैसे उसका मशीनीकरण हो जाता है, उसी में घुल मिल जाता है, ये दिखाया गया है। तो ये बड़ा बहुत मानवीय पक्ष को जो है हंसते हुए, हंसाते हुए रुला देना, ये चार्ली चैपलिन का ही अपना जो है अंदाज है जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध है, अमर है, जो एक अमर गाथा चार्ली चैपलिन ने लिखी।